बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लास 11 है हमारी और सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव। तो दोस्तों 2022-23 के सेशन के लिए आपका न्यू रिवाइज सिलेबस आ चुका है, जिसमें आपके बहुत से डाउट्स क्लियर कर दिए गए। सबसे पहला डाउट ये क्लियर किया गया है कि टर्म वन का आपका जो एग्जाम है वो कब होगा और इसका सिलेबस क्या है। तो देखो, हिंदी एक्चुअली की हम बात कर रहे हैं तो इसमें टर्म वन के एग्जाम में आपके टोटल जो है वो 13 चैप्टर आएंगे। तो आपके यहाँ पे 3 बुक्स हैं। अब कौन कौन से चैप्टर्स हैं तीन बुक्स में टर्म वन के एग्जाम के लिए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और आपका ये टर्म वन के जो 13 चैप्टर्स हैं इनको 31 सितंबर तक टीचर्स की जिम्मेदारी है कि इसे कंप्लीट करे, और 10-15 दिन तक आपका रिवीजन चलेगा। और रिवीजन के बाद में अक्टूबर मिडल में, अक्टूबर के मध्य में आपकी 2022 की जो मध्य अवधि की परीक्षाएं होती हैं, टर्म वन की परीक्षाएं, वो कंडक्ट करवाई जाएंगी स्कूल बेस पे। ठीक है, तो टर्म वन का आपका यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो गया कि सिलेबस क्या रहेगा। अभी आगे हम देख लेंगे कि चैप्टर्स क्या होने वाले हैं। फिर आता है सेकंड हमारा यहाँ पे टर्म टू का। तो टर्म टू में देखो, इस बार बहुत बड़ा एक बिग चेंज है। जैसे 12th में बोर्ड होता है उसी तरीके से टर्म वन में, इस मतलब जो आपका 11th है उसमें इस बार एनुअल मोड होगा। एनुअल बोर्ड में इस बार आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आएगा, वो चैप्टर हटा के जो डिलीट है। ठीक है, पूरा का पूरा आपका पाठ्यक्रम आएगा, पूरा सिलेबस आएगा। अब ये जो आपका पूरा सिलेबस है जो एनुअल मोड है, उसके लिए पूरा सिलेबस आपका 31 जनवरी तक टीचर्स के द्वारा कंप्लीट करवाया जाना चाहिए, और मिडल ऑफ फरवरी के, यानी कि फरवरी के मध्य 2023 में आपके एनुअल मोड की, कह सकते हैं, या फिर टर्म टू की जो परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो इस बार टर्म वन का सिलेबस क्या रहेगा और टर्म टू जो है वो एक तरीके से आपका एनुअल मोड है, बोर्ड है, 11th के लिए ऐसा मान लीजिए, क्योंकि वही आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स रहेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और इस वीडियो में जो मैं आपको पीडीएफ जो कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला, अगर आप उसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है 11th क्लास, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो। सच में लिखना है जेएसके 11th क्लास और आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके बुक्स को देखते हैं। तो टोटल 3 बुक्स हैं आपकी, अंतर्भाग 1, अंतराल भाग 1 और अभिव्यक्ति और माध्यम। टोटल ये 3 बुक्स रहेंगी आपकी हिंदी के एग्जाम। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी अंतर्भाग 1। तो इस भाग से आपके एग्जाम में टर्म वन के लिए, टर्म टू के लिए क्या क्या आना है उसे समझ। तो देखो, बेसिकली इसमें 2 खंड होते हैं, एक होता है गद्य खंड, एक होता है काव्य खंड। तो एक है ये हमारा गद्य खंड और ये है हमारा काव्य खंड। तो देखो, टर्म वन के लिए हम बात करते हैं तो टर्म वन में जो गद्य खंड रहेगा उसमें से सबसे पहले प्रेमचंद का ईदगाह आएगा। ठीक है, फिर देखो प्रेमचंद का ईदगाह आएगा टर्म वन के एग्जाम में, और अमरकांत जी का दोपहर का भोजन आएगा, हरिशंकर प्रसाई जी का टॉर्च बेचने वाला आएगा, और आंगे राघव का गूंगे आएगा। ये आएगा टर्म वन के एग्जाम में किससे, गद्य खंड से, याद रखना चाहिए। फिर आ जाता है काव्य खंड। तो काव्य खंड से क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें से कबीर आएगा आपका टर्म वन के एग्जाम में, सूरदास आएगा टर्म वन के एग्जाम में, देव के ये तीनों पार्ट जो है ये आएगा टर्म वन के एग्जाम में, और सुमित्रा नंदन पंत ये आएगा आपका टर्म वन के एग्जाम। तो टर्म वन का जो एग्जाम रहेगा उसमें कुछ इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे आएगा। तो 4 हो गए आपके गद्य खंड यहाँ से, और टोटल 4 हो गए आपके यहाँ से टर्म वन के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। फिर टर्म वन के एग्जाम में जो आपका अंतराल बुक रहेगी, एक चैप्टर आएगा आपका इसमें से जो कि रहेगा ये वाला, मकबूल फिदा हुसैन इसके लेखक है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, रानीपुर बाजार, ये आएगा आपका टर्म वन में। तो टोटल अभी तक हो गए हमारे 9 हो गए। अब जो हमारी तीसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें से देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना। तो इसमें टर्म वन के एग्जाम में देखो, सबसे पहला आपका जो चैप्टर है जन संचार और माध्यम, ये हमें पढ़ना है। सेकंड हमें पढ़ना है डायरी लेखन की कला। थर्ड हमें पढ़ना है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। फोर्थ हमें पढ़ना है स्वैवृत्त, बायोडाटा लेखन, रोजगार और संबंधी आवेदन। यानी कि टोटल हमें अभिव्यक्ति माध्यम से 4 चैप्टर किसके लिए पढ़ने हैं, टर्म वन के एग्जाम के लिए। तो टोटल कितने हो गए, 8 तो हो गए हमारे अंतराल बॉक्स 1 से, 1 हो गया हमारा अंतराल से, और 4 हो गए इसे। टोटल हमारे 13 चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए टर्म वन के एग्जाम। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आपके दिमाग में। तो ये तो हो गया टर्म वन का। अब देखो, जो आपका टर्म टू का होगा, यानी कि जो एनुअल मोड होगा, उसमें टर्म वन के जितने चैप्टर्स हैं वो भी कंप्लीट आएंगे, क्योंकि इस बार आपका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। इसमें आपका एनुअल मोड जो होगा उसमें पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, पूरा सिलेबस एनुअल मोड में आएगा। तो टर्म वन के जितने चैप्टर्स हैं वो तो हमने देख लिए। अब इसमें देखो बहुत सी चीजें क्या है, जैसे मैंने ये देखो यहाँ पे इसको ब्लू कलर से, सॉरी जो येलो कलर है इससे इसे अंडरलाइन कर रखा है, डार्क कर रखा है, तो ये जो है वो डिलीट है यहाँ पे।
आप इस तरीके से डिलीट लगा लेंगे, ये आपको नहीं पढ़ना, ना ही तो टर्म वन में ना ही तो टर्म टू के लिए इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब जो आपका एनुअल मोड होगा इसमें टर्म वन के सारे चैप्टर्स तो आने ही है, यानी कि ये भी आएंगे, बस ये आपका डिलीट रहेगा। तो अब इसमें नया कौन ऐड हुआ है, तो इसमें सुधा अरोड़ा ज्योतिबा फुले ये आएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का खानाबदोश ये आएगा, गजानन मानवमुक्ति वो डिलीट है आपका, पांडे बेचिन शर्मा होगा उसकी माँ ये आएगा आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है ये आएगा। वही काव्यखंड की बात कर लें तो महादेवी वर्मा इसका जो पार्ट वन है ये आएगा, सेकेंड पार्ट नहीं आएगा आपका, और नरेंद्र शर्मा डिलीट है। नागार्जुन का बादल को कितने देखा आएगा, श्रीकांत वर्मा का हस्तक्षेप आएगा, धूमिल का घर में वापसी ये आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम देखें एनुअल मोड के एग्जाम में, तो गद्य खंड में आपको सिर्फ ये वाला एक चैप्टर छोड़ देना है, बाकी पूरा पढ़ना है किसके लिए, एनुअल के लिए, ठीक है। वहीं आपके काव्यखंड को अगर हम देख लें तो इसमें आपको पद्मकाज छोड़ देना है, और महादेवी वर्मा जी का ये जो दूसरा पार्ट है इसे छोड़ देना है, नागेंद्र शर्मा नरेंद्र शर्मा इसे छोड़ देना है, और ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये है आपका एनुअल मोड का सिलेबस अंतरा भाग एक से, समझ गए। और फिर अंतराल भाग एक की हम बात कर लेते हैं, तो एनुअल मोड में सिंपल सी बात है कि आपके ये दो चैप्टर्स आने हैं, क्योंकि पहला आपका जो चैप्टर है ये वाला, ये आपका डिलीट है, ना तो इसे आपको टर्म वन में पढ़ना है, ना ही तो इसे एनुअल में पढ़ना, ठीक है। अंतराल भाग ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अभिव्यक्ति माध्यम का हम देख लेते हैं कि टर्म टू में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखो पत्रकारिता के विविध आयाम, कथा पटकथा चैप्टर 15 और 16 ये आपको पढ़ना है। तो ये तो टर्म टू का स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको टर्म वन भी पढ़ना है, तो हमें चैप्टर वन भी पढ़ना है, चैप्टर सेकेंड भी पढ़ना है, चैप्टर 9, 10, 14, 15 और 16। तो ओवरऑल अभिव्यक्ति माध्यम से हमें ये 7 चैप्टर, मतलब 4 तो हमें पढ़ने हैं टर्म वन के एग्जाम के लिए, और टर्म टू के लिए एनुअल के लिए हमें टोटल 7 पढ़ना है। तो अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, जो आपकी अंतराल किताब है, ठीक है ना, ये वाली अंतरा भागी, इसमें देखो जो आपका टर्म वन होगा ये 4 पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, बस इसको हटा देना, और जो टर्म टू होगा उसमें आपको सारे पढ़ने, बस ये डिलीट कर देना, और इसमें से ये डिलीट कर देना, इसको हटा देना, इसको हटा देना, ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसी तरीके से आपकी जो अंतरा किताब है अंतराल, इसमें बस इसको डिलीट कर दो, एनुअल के लिए ये दोनों पढ़ने हैं, और टर्म वन के लिए केवल इसको पढ़ना है। अभिव्यक्ति माध्यम की हम बात कर लेते हैं, तो अगर आप टर्म वन दोगे तो आपको पहला पढ़ना है, नौवा पढ़ना है, 14वां और 15वां पढ़ना है। एनुअल दोगे तो आपको पहला दूसरा भी पढ़ना है, 9वां 10वां भी पढ़ना है, 14, 15, 16 ये तीनों। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है, आई होप अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपके दिमाग में, आपके सिलेबस से संबंधित सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझा दी गई हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको जो आपका ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है उससे एक बार रूबरू करा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आपको हमारे जो नोट्स वगैरह हैं उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है हिंदी अक्षर का। आप यहाँ पे देखोगे जब टर्म वन होगा तो गद्यखंड से अंतरा भाग एक से आपको प्रेमचंद, अमरकांत, हरिशंकर प्रसाद, रांगे राघव ये पढ़ना है गद्यखंड से, और काव्यखंड से आपको पढ़ना है कबीरदास, सूरदास, देव, सुमिता नंदन पान। वहीं जो आपके जो अंतराल भाग रहेगी इसमें से आपको चैप्टर सेकंड केवल पढ़ना है टर्म वन के लिए। अभिव्यक्ति माध्यम से आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं, पहला, 9वां, 14वां और 15वां, किसके लिए, टर्म वन के लिए। और फिर आ जाती है यहाँ पे टर्म टू की बारी, तो इसमें देखो आपको गद्य में ये पढ़ना है सुधा अरोड़ा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, पांडे बेचिन शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर काव्यखंड आ जाता है तो इसमें महादेवी वर्मा का केवल एक ही पार्ट आपको पढ़ना है, नागार्जुन, श्रीकांत वर्मा, धूमिल ये आपको पढ़ना है। फिर अंतराल भाग एक से केवल चैप्टर, मतलब आपको थर्ड भी पढ़ना है, सेकेंड भी पढ़ना है। अभिव्यक्ति माध्यम में आपको चैप्टर वन भी पढ़ना है, 9वां 10वां भी पढ़ना है, 14, 15 और 16वां ये भी पढ़ना है। तो यहाँ पे एक चीज आप चाहो तो नोटिस कर सकते हो, जो पूरा आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है ना, दो बुक्स हैं, उन दोनों बुक्स में से जो डिलीट है सारा का सारा पार्ट, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नई की जन्म कुंडली ये आपका पूरा का पूरा पार्ट डिलीट है, पद्माकार ये आपका पूरा पार्ट डिलीट है, सब आंखों के आंसू ले महादेवी वर्मा का ये पूरा पार्ट आपका डिलीट है, केवल एक पार्ट, और नींद उचट जाती है नरेंद्र शर्मा का ये डिलीट है, अंतराल भाग एक से अंडे के छिलके ये आपका डिलीट है। आप चाहो तो एक इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। इसे आपको क्या करना है, बस यही खोलना है और देख लेना, अच्छा ये नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पूरा का पूरा सिलेबस स्टडी करना है, ठीक है। ये चीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ऑफिशियल सिलेबस और प्लस में जो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ,
और फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको सारा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक हम पहुँचाते रहे। और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, और चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।